शॉर्ट नोटिस में हमने आपको बुलाया, तो आप तशरीफ लाए रोज़े की हालत में भी। तो कोई दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, रमज़ान मुबारक का महीना भी चल रहा है तो उसके हवाले से भी आपसे बातचीत करनी थी, तो वो भी बात करूँगा। और ओवरऑल जो हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अर्से से आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पे केलम में, एक बड़ा नाम मशहूर है और बड़ा डकैतियों में, राजधानी में कई मतलूब था, असलम और असलम। ये मुड़ियाला जगह है, मछली मोड़ चौकी थाना चुटाला के एरिया में, तो काफ़ी वारदातों में मतलूब है ये। तकरीबन इसको हमने काफ़ी एफर्ट की, DSP सदर की सरप्राइज में हमने एक टीम मरतब की जिसमें SHO JP को भी इंक्लूड किया और SHO चुटाला को, इन्होंने एफर्ट करके और उसको अरेस्ट किया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि यहाँ पे एक सरगोधा से एक पुलिस टीम आई थी जिसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर को भी इन्होंने अगवा कर लिया था, उससे भेजा में रखा था और उसके बाद रोड भी ब्लॉक की थी इन्होंने। और ये टिपिकल एक घराना है पूरा वहाँ पे जो कि इस तरह की हरकत करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, नौसरबाज हैं। और बीच में इसी की एक बहन ने असलम की जाके मिसिंग पर्सन कमीशन में झूठी दरखास्तें डाल दी चार लोगों को, जबकि सरगोधा पुलिस की जो टीम आई थी वो अपने जो नामजद मुलजमान थे उनको पकड़ने के लिए आए थे सरगोधा से जो प्रॉपर चैनल। और उसके बाद फिर हमने 7 ATM में केस भी रजिस्टर किया, तो अलहमदिल्ला असलम को हमने गिरफ्तार किया है और इसने अपने तमाम पूरे गैंग मेंबर्स और बाकी लोगों का भी इंकशाफ किया है। तो असलम के ऊपर तकरीबन ये 50 से ज़्यादा मुकदमात में अदालती मफरूर था। इसके अलावा असलम डिफरेंट केसेस के अंदर, एक तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट का जो केस है जो हमारा थाना चुटाला का है उसके अंदर मफरूर था, इसी केस में बाकी साथी पकड़े गए थे तो ये अभी तक इसकी गिरफ्तारी बकाया थी। राजधानी के कुल 15 केसेस हैं, चोरी के 26 हैं, इसके ऊपर नाजायज़ असला के 12 केसेस हैं और इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, बेशुमार केसेस हैं। और जिन जिन अजला के केसेस हैं उसके अंदर अटक है, गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, मियांवाली है, चकवाल है, सरगोधा के केसेस हैं, इस्लामाबाद का केस है और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी जगहों के ऊपर ऑपरेट करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई और इसको हमने गिरफ्तार किया और उसे एक अस्ता भी हमने बरामद किया है, एक तो ये है। और इसी के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट केस जो हमारा वर्कआउट हुआ है वो थाना दीना का केस है जिसके अंदर रॉबरी के दौरान मर्डर हुए सैयद तालिब शाह जो कि ब्रिटिश नजाद पाकिस्तानी थे, इसमें दो मुलजमान जो मेल मेंबर्स थे वो हमने पहले पकड़े थे और उसके साथ एक हमने एक औरत भी इनकी ग्रुप की मेंबर थी उसको भी हमने गिरफ्तार पहले कर लिया था। अभी दो मुलजमान की इसमें गिरफ्तारी बकाया थी, जो मेन मुलजम था औरंगजेब और जेबी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट की और ये रिहायशी है औरंगजेब और जेबी वल्द अब्दुल मजीद कौम राजपूत, ये चिश्तियाँ भावनगर का रहने वाला है। और इसने भी बेशुमार और भी डकैती के मुकदमात में ये इन्वॉल्व है, काफ़ी थानों में ये ऑलरेडी डिफरेंट चलान भी हो चुका है, टोटल तकरीबन 11 साल ये जेल भी काट चुका है जिसके अंदर गुजरात में, गुजरावाला में, सरगोधा में पुराने केसेस के अंदर ये चलान हुआ और जेल से बाहर आया। अभी भी इसने ये ग्रुप में अपना एक तश्कील दिया था और इसके साथ एक इनकी साथी थी फरजाना बीवी जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। फरजाना के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे और ये कुछ अर्सा दीना में पहले रहता रहा है, दीना के बाद अभी चला गया था। तो फरजाना ने तालिब शाह के घर के ऊपर कुछ अर्सा पहले ये एज अ मुलाजमा काम करती थी, तो चूँकि जेबी के इसके साथ ताल्लुकात थे तो उसने पॉइंट आउट किया कि ये घर है, यहाँ पर पैसे वैसे इनके पास अच्छे हैं तो आके कार्रवाई करो। तो ये अपने मोहम्मद तारिक और गुलाम अब्बास और अली नासिर के साथ मिलके इसने वही वारदात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कामयाबी हुई और हमने इसको गिरफ्तार किया है। और ये वो बंदा है मेन मुलजिम जिसने फायर किया था, एक्चुअली घर में एंटर होके तालिब शाह साहब के ऊपर फायर किया जिसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो ये हमें बड़ी कामयाबी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपसे मैंने शेयर कर दी थी। एक तो ये दो केसेस हो गए।